लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई के दिगा में वीडियो पार्लर संचालक से हुई मारपीट और हफ्ता वसूली मामले में दर्ज एफआईआर ने राजनीति गर्मा दी है। आज एनसीपी यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनु आंगरे की पत्नी गौरी आंगरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पति पर लगाए गए आरोप पर सफाई दी है। गौरी आंगरे ने वीडियो पार्लर को अवैध बताते हुए पलटवार किया कि उनके पति को शिवसेना के स्थानीय नेताओं द्वारा साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है। देखें रिपोर्ट। दो हफ्ते पहले मेरी अनु आंगरे के साथ बात हुई थी। महीने का 50,000 तू हफ्ता दे और धंधा कर। 50,000 ये बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए कि 50,000 कम गिरे तो 50,000 की खंडनी मांगो, ये बात एकदम झूठी है। एनसीपी के यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनु आंगरे के खिलाफ रवाले पुलिस ने वीडियो गेम पार्लर से 50,000 का हफ्ता मांगने और संचालक के साथ मारपीट करने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। कल इसे लेकर पीड़ित पवन मेलगड़े ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अनु आंगरे पर संगीन आरोप लगाया था। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनु आंगरे की पत्नी गौरी आंगरे ने सफाई देते हुए इसे शिवसेना के स्थानीय नेताओं का षड्यंत्र करार दिया। जिलाध्यक्ष अशोक गावड़े, नवी मुंबई के निरीक्षक प्रशांत पाटिल और राजू सिंधे की मौजूदगी में गौरी आंगरे ने कहा कि दीघा का यह वीडियो गेम पार्लर अवैध है। वहां अवांछित लोगों के आने जाने से महिलाओं को तकलीफ होती है और इसीलिए राहुल आंगरे ने उसे बंद करने को कहा था। इसके सबूत भी पुलिस को सौंपे गए थे, फिर भी पुलिस ने बिना जाँच पड़ताल किए ही अनु आंगरे और 7 लोगों के खिलाफ हफ्ता वसूली का एफआईआर दर्ज कर लिया। वहीं जिलाध्यक्ष अशोक गावड़े ने भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। कि अनु आंगरे इन्होंने पहले से ही समाज सेवा में बहुत नाम कमाया है तो 50,000 ये बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए कि 50,000 कम गिरे तो 50,000 की खंडनी मांगो, ये बात एकदम झूठी है। मेरा यही बोलना है कि सबसे पहले जो है वो गाला किसके नाम पे है, वो बिजनेस कौन चलाता है और कौन से चीज़ का बिजनेस है, ये पहले इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और उसके बाद में पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही कोई चीज़ का केस किसी के ऊपर किया जाए। माझे पति अनु आंगरे जेव्हा शिवसेनेमध्ये होते त्यावेळेला पण गवते कुटुंबियांनी हाच त्रास दिला आहे, दबाव आणून खोट्या केसी केलेल्या आहेत आणि आता जेव्हा आम्ही राष्ट्रवादीत आहोत तेव्हा पण यांचा हाच प्रयत्न चालू आहे की सत्तेमध्ये येऊन खोटा दबाव आणून केस करा। बहुतेक मग तोच सूड काढण्यासाठी सूडबुद्धीने हा खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला असेल। जो खंडनी बिंदनी जो कुछ लिखा है, पुलिस का काम है पहिला उसका जांच करना, तलाश करना, उसकी सब इंक्वायरी करना और उसका सबसे पहला हर एक आदमी को पूछताछ करना और उसके बाद एफआईआर दर्ज करना। अभी उसके पीछे हमारे महाविकास आघाड़ी के कोई नेता लोग है ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन न्यू बॉम्बे के अंदर बीजेपी वाले हमेशा ये करते आए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उसका जो तजुर्बा है मैं भी वो भुगत रहा हूँ। इसलिए इसके पीछे हो सकता है क्या बीजेपी वाले लोग 100% होंगे, क्योंकि उनका धर्म और कर्म बीजेपी का एक ही है और उन्होंने जानबूझ के उधर के कई लोगों को उसका के उसको बोलने के लिए राजी किया है ऐसा मुझे लग रहा है। अनुजी आंगरे है उनके ऊपर ये एफआईआर दर्ज किया गया है, इसका पहला मैं निषेध करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।